दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत का संविधान की प्रस्तावना पढ़ के आपको बताएंगे। आप लोग भारत के नागरिक हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, सबको याद होनी चाहिए। चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी सनवत 2006 विक्रमी को एक दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा करते हैं। तो इस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस संविधान को तैयार किया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संविधान की प्रस्तावना को याद करें, समझें, सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं। ओके, थैंक यू।